एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मीनू और आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, द पॉन्ड इकोसिस्टम। इससे पहले मैंने इकोसिस्टम के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, काइंडली रेफर टू दैट वीडियो। और उसको समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मन में आता है वो है, व्हाट इज़ पॉन्ड इकोसिस्टम? पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है? पॉन्ड इकोसिस्टम इज़ रेफर्ड टू द स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम ऑफ कम्युनिटीज़ इन देयर एनवायरनमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम है कम्युनिटीज़ एंड देयर एनवायरनमेंट। कम्युनिटी और उसके एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है ये। दस इकोसिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी प्लस द सराउंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ऑल द इकोसिस्टम रिजेंबल्ड विथ ईच अदर इन द सेंस दैट ऑल हैव सेम कॉम्पोनेंट्स। अब जितने भी इकोसिस्टम वर्ल्ड में नोन है अभी तक, उसमें सभी में अगर कॉम्पोनेंट्स की बात की जाए तो सभी लगभग ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोनेंटल स्ट्रक्चर है उनका। सभी के पास बायोटिक कॉम्पोनेंट में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि इंटरैक्ट करेंगे अपने आपस में भी, और इसके अलावे वे एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं, एंड दस ब्रिंगिंग अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल। और इस इंटरैक्शन के रिजल्ट में ही जितने भी मटेरियल्स हैं वर्ल्ड में, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, दोनों ही मटेरियल का एक साइकिलिंग करते हैं जिसे हम लोग मिनरल साइकिल्स के नाम से जानते हैं। बट द ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूटिंग दीज कॉम्पोनेंट्स वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब बात ये आती है कि अगर सभी इकोसिस्टम के कॉम्पोनेंट्स एक जैसे हैं, फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम क्यों पढ़ते हैं? तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन एक एक कॉम्पोनेंट के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसके इंटरनल कंपोजिशन की बात की जाए तो वो सभी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग पॉन्ड में बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, और अगर हम लोग लैंड पे बात करते हैं तो यही जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। द वेरियस इकोलॉजिकल सिस्टम ऑल्सो डिफर इन देयर क्लाइमेटिक रिजीम। और एक हम लोग ये भी जानते हैं कि पूरे इस बायोम में, यानी पूरे अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वे सभी डिफर करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अलावे एल्टीट्यूडनल कंडीशंस और वेदर कंडीशंस भी डिफर कर जाते हैं। तो अभी अलग अलग जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो गए या कंज्यूमर्स हो गए, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का जो डायनेमिक स्ट्रक्चर है वह चेंज हो जाता है, उसका कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए हमें अलग अलग इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को पढ़ने की या स्टडी करने की ज़रूरत होती है। अब अगर बात की जाए कुछ मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड की, मतलब कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम हैं वर्ल्ड में स्टडी पर्पस से, हालांकि इकोसिस्टम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसे अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये दो टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा मैनमेड। अब नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो वैसा इकोसिस्टम है जो अपने आप बनता है एनवायरमेंटल और बायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से, मतलब पर्टिकुलर एक एरिया में उसके वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के कंपोजिशन होंगे उसके बेसिस पे वहाँ जो इकोसिस्टम डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल इकोसिस्टम। और मैनमेड इकोसिस्टम उसे कहते हैं जिसमें मैन का इंटरफेरेंस होगा और मैन अपने अकॉर्डिंग उस इकोसिस्टम को मैनिपुलेट करता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनमेड इकोसिस्टम। अब अगर अगेन क्लासिफाई किया जाए नेचुरल इकोसिस्टम को, तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखते हैं इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओशीन इकोसिस्टम है, एश्योराइन इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है,
ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है। ब्रॉडली इतने इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम को डिवाइड किया जाता है, और इसके बाद और रिसर्च पे और भी ज़्यादा इकोसिस्टम इन फ्यूचर और भी ऑब्जर्व हो सकते हैं। अब अगर मैनमेड इकोसिस्टम की हम बात करें तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम मैनमेड इकोसिस्टम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलिए सबसे पहले नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए व्हाट इज पॉन्ड इकोसिस्टम। अब ये पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है, तो एक पॉन्ड यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो भी इकोसिस्टम मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम। और द पॉन्ड ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट अ सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम। और पॉन्ड इकोसिस्टम जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इकोसिस्टम का। द लाइफ स्पैन ऑफ पॉन्ड्स रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू वीक्स और मंथ्स इन अ केस ऑफ स्मॉल सीजनल पॉन्ड्स टू सेवरल हंड्रेड ईयर्स ऑफ लार्जर पॉन्ड्स। अब ये जो पॉन्ड जो है उसका पॉन्ड का अपना लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि हमने हाइड्रोशियर में देखा था जिसमें हमने एक पॉन्ड के डिफरेंट जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें जो भी इकोसिस्टम है किस तरीके से डेवलप हुआ था उसे हम लोग सक्सेशन में हम लोग देखे वहाँ पर पढ़ा था हमने। और उसके बेसिस पर ही अगर समझने की कोशिश करें तो पॉन्ड का एक लाइफ स्पैन होता है। अगर पॉन्ड छोटा है तो सक्सेशन के प्रोसेस में वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर पॉन्ड बहुत बड़ा है लार्जर पॉन्ड्स है तो सक्सेशन के प्रोसेस की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ पॉन्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड द इकोसिस्टम ऑफ दैट पॉन्ड। इफ अ बॉटल ऑफ पॉन्ड वाटर इज एनालाइज्ड इट इज फाउंड टू हैव अ मिक्सचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग किसी भी तालाब में जाते हैं पॉन्ड में जाते हैं और वहाँ से एक बॉटल अगर वाटर लेकर के आए तो उसको अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पॉन्ड का जो वाटर है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जू प्लैंकटॉन्स भी हो सकते हैं, फाइटो प्लैंकटॉन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर केमिकल इवेल्युएशन की जाए उस वाटर की तो उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिटेक्ट होते हैं। द टू कॉम्पोनेंट्स नेमली ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स आर इन परफेक्ट हार्मोनी इन ए पॉन्ड। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पॉन्ड के वाटर में ऑटोट्रॉफिक जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स दोनों ही बहुत अच्छे हार्मोनल इंट्रैक्शन के संग रहते हैं, मतलब उनमें एक बहुत ही अच्छा इंट्रैक्शन होता है। अब अगर स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम की बात की जाए कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम के, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस एन इकोसिस्टम, वो नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं उस पॉन्ड का एबायोटिक कंपोनेंट है। और इसे भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक रेजिम्स में, और इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। अब बायोटिक फैक्टर की बात की जाए तो ये लिविंग फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे एक इकोसिस्टम को, और ये होंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स। और ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सभी प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और सोलर एनर्जी को वो प्रोड्यूस करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर हेटरोट्रॉपिक कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो दे आर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो चलिए एक के बाद एक हम लोग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स को इन डिटेल देखते हैं। द अबायोटिक सब्सटेंसेस आर बेसिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स,
वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग ये सभी और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल्स जो हैं वो आते हैं। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स, और इसमें से सारे जो कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स उसे प्रोड्यूसर्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ही जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसे प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। मेजर अमाउंट ऑफ दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिमेन्स एज रिजर्व इन द बॉटम ऑफ द सेडिमेंट्स। अब इसमें से कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉटम के सेडिमेंट्स में एज अ रिजर्व वो वहाँ पर सेडिमेंटेशन उसका हो जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाता है। द पार्ट ऑफ देम ऑल्सो रिमेन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, और कुछ कुछ जो पार्ट है उसका प्रोड्यूसर्स को जब ईट करते हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स यानी डिफरेंट एनिमल्स, तो उनके एनिमल में भी वो जाकर एनिमल की बॉडी में भी वो जाकर करके स्टोर हो जाता है। द रेट ऑफ रिलीज ऑफ दीज अबायोटिक सब्सटेंसेस डिपेंड्स ऑन द सोलर इनपुट, साइकिल्स ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक रेजिम्स। अब ये एबायोटिक सब्सटेंसेस किस अमाउंट में रिलीज होंगे ये डिपेंड करेगा कि सनलाइट कितना मिल रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर का साइकिल क्या है, क्लाइमेटिक रेजिम्स यानी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ किस तरीके के हैं, इन सभी पे एबायोटिक कंपोनेंट्स की अवेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी। अब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स एंड हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। अब ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो हैं जितने भी प्लांट्स हैं, अब बात की जाए तो दीज आर सेल्फ नरिशिंग कंपोनेंट्स। सेल्फ नरिशिंग मीन्स अपने आप को ये नरिश खुद करेंगे, यानी अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ये खुद बनाएंगे, विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और स्पेशली ये जो केमिकल एनर्जी है ये शुगर्स के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ स्टोर हो जाती है यूजिंग लाइट एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये कन्वर्जन के प्रोसेस में लाइट एनर्जी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को प्लांट्स यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखें तो फाइटोप्लैंक्टन्स में एल्गी हम लोग डिफरेंट देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स भी हैं। अब हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की बात करें तो द हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स आर एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इट यूटिलाइजेज द फूड स्टोर्ड बाय द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, और ये जितने भी हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं ये स्टोर्ड फूड कहाँ होगा, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो हैं जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं शुगर्स के फॉर्म में, उसे उस उन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो उस पर फीड करेंगे और उसकी एनर्जी जो है अपने बॉडी में ये यूटिलाइज करते हैं। इसे रीअरेंज करेंगे एंड फाइनली डिकम्पोज कर देंगे, यानी उस मटेरियल्स को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डिग्रेड कर देंगे इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब अगर ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स को और हम लोग डिटेल में स्टडी करना चाहें तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड नोन एज प्रोड्यूसर्स। द प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली ग्रीन प्लांट्स विच यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ऑल द फूड चेन्स इन एनी इकोसिस्टम मस्ट स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर। अब हम लोग देखते हैं ये चीज़ कि जितने भी फूड चेन्स हैं इकोसिस्टम में, बहुत सारे फूड चेन जेनरेट होते हैं और उन फूड चेन का जो स्टार्ट पॉइंट होता है दैट इज़ अ प्रोड्यूसर। इन ऑल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन रेस्पिरेशन। जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके मामले में देखा जाता है कि उनमें प्रोडक्शन का रेट जो होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो
हाई होती है, यानी प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन रेस्पिरेशन। अब एक पॉन्ड में अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए कि किस टाइप के प्रोड्यूसर्स होते हैं, किस तरीके से वे कैटेगराइज होते हैं और पूरे पॉन्ड में वे किस किस टाइप का वेजिटेशन यानी किस किस लेयर्स का फॉर्मेशन कराते हैं वेजिटेशनल, तो ये दो प्रकार के होते हैं, रूटेड प्रोड्यूसर्स एंड नॉन रूटेड प्रोड्यूसर्स। अब रूटेड प्रोड्यूसर्स कौन हो सकते हैं? ऐसे जितने भी पेड़ पौधे या फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, स्पेशली फाइटोप्लैंक्टन्स तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे रूटेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें रूट होता है उसे हम लोग कहते हैं रूटेड प्रोड्यूसर्स। अब रूट चाहे एंकर्ड हो चाहे फ्लोटिंग हो, क्योंकि फ्लोटिंग प्लांट्स में भी रूट होते हैं, हालांकि वो बहुत ही लेस डेवलप होते हैं लेकिन रूट्स आर प्रेजेंट देयर। अब नॉन रूटेड प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स हैं यानी एल्गी जो होता है प्लांट में, सबसे जो मिनिमल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है प्लांट वर्ल्ड का, दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। इसमें सारे एल्गा आते हैं। अब रूटेड प्रोड्यूसर्स को अगेन क्लासीफाई इंटू डिफरेंट जोनेशन, दैट इज वेजिटेशन जोन्स। ये तीन जोन्स को प्रोड्यूस करते हैं पॉन्ड के अंदर। पहला है जोन ऑफ इमर्जेंट वेजिटेशन, वैसा जोन जिसमें सभी इमर्जेंट वेजिटेशन होंगे। उसके बाद है जोन ऑफ फ्लोटिंग वेजिटेशन। दूसरा है वैसा जोन, कुछ ऐसा जोन बनाएंगे जिसमें फ्लोटिंग वेजिटेशन होगा। थर्ड जोन इज़ जोन ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन। अब इमर्जेंट वेजिटेशन क्या होगा कि सपोज़ एक पॉन्ड है और ये उसका वाटर लेवल है, और इस लेवल में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आधे पॉन्ड के अंदर हैं और आधे जो हैं वो पॉन्ड के वाटर के ऊपर यानी बाहर होते हैं, दैट आर कॉल्ड इमर्जेंट वेजिटेशन। और ये इस टाइप के जो प्लांट्स हैं ये पूरा एक जोन बनाते हैं, और स्पेशली ये ऐसे जोन को प्रीफर करते हैं, ऐसे जोन में ग्रो होना प्रीफर करते हैं जहाँ पर जो पॉन्ड का जो वाटर है वो शैलो हो। नेक्स्ट द जोन ऑफ फ्लोटिंग वेजिटेशन। फ्लोटिंग वेजिटेशन वाले जो पौधे होते हैं वो और थोड़ा सा डीपर कंपेयर टू इमर्जेंट वेजिटेशन, ये डीपर वाटर में ये ग्रो करते हैं, और ये जितने भी होंगे ये फ्लोटिंग वेजिटेशन होंगे। फ्लोटिंग में एंकर्ड भी हो सकते हैं जो कि प्लांट के वाटर के सरफेस पे ये अपना लीफ और फ्लावर्स को ओरिजिनेट कराते हैं। एंकर्ड भी हो सकते हैं रूटेड में, और विदाउट एंकर्ड भी हो सकते हैं जो कि नीचे सबस्ट्रेटम में एंकर्ड नहीं होंगे, यानी उनका जड़ जो है वो नीचे बॉटम में एंकर्ड यानी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जोन ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन की, तो ये कैसे एरिया में ग्रो करेंगे, ये वाटर के पॉन्ड वाटर के बॉटम लाइन में एंकर्ड कंडीशन में ये ग्रो करेंगे, और ये कम्प्लीटली ड्रॉन रहेंगे यानी डूबे हुए रहेंगे पानी के अंदर, और ये एंकर्ड हो, इसमें चूंकि रूटेड प्रोड्यूसर्स हैं दे आर एंकर्ड इन द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम में ये एंकर्ड रहेंगे और कम्प्लीटली ड्रॉन रहेंगे इनसाइड द वाटर। अब कुछ यहाँ एग्जांपल्स मैंने लगा रखा है आपके समझने के लिए कि किस टाइप के प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब इसमें कुछ नॉन रूटेड प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ रूटेड हैं, मोस्टली इसमें मैंने रूटेड प्रोड्यूसर्स को ही रखा है। इसमें सबसे पहले यहाँ हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स हैं, कारा है, इसके अलावा लेमना, स्पायरोडिला, वुल्फिया वगैरह, एजोला, यहाँ यूट्रिकुलेरिया, इसमें लेमना भी है, इसके अलावा हाइड्रीला, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्पायरोगायरा, ऑसिलेटोरिया, ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये सभी के सभी ग्रीन हैं, इनके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपने बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करेंगे या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स, और उसके बाद इन पर फीड करेंगे डिफरेंट कंज्यूमर्स और जो भी जू प्लैंकटॉन्स होंगे वो, और इसके बाद में एक फूड चेन डेवलप हो जाता है और इकोसिस्टम जो है वो फर्दर प्रोसीड कर जाता है।
अब कुछ अगर नॉन रूटेड प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कुछ एल्गी हम लोग देख सकते हैं। पहला है वॉलवॉक्स, दूसरा है यहाँ क्लामाइडोमोनास। ये दो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लगा के रखा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे यूग्लीना हो सकता है या और भी ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के जितने भी मेम्बर्स हैं, एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गीज आर ऑल इन द एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉन्ड एज डीप एज लाइट पेनिट्रेट्स। चूंकि ये सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन एल्गा होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स आर ग्रीन, तो ये वैसे वाटर में वैसे ही रीजन में ज़्यादा ये ग्रो करेंगे जहाँ पर सनलाइट पेनिट्रेट अच्छे से करेगा। फाइटोप्लैंक्टन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में उसे प्रोड्यूस करने में ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस कंस्टिट्यूट द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड। और ये क्या करेंगे, ये ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट पॉन्ड के ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के ग्रुप को ये बनाएंगे। द लाइफ ऑफ हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स सच एज एनिमल्स बैक्टीरिया एंड फंजाई डिपेंड्स अपॉन इट। और जितने भी हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं वे सभी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट लेवल यानी कंज्यूमर्स की बात करते हैं। द कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस लार्वा एंड नेम्स ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर्स ओडोनेटा प्लैकोप्टेरा एफीमेरोप्टेरा ट्राइकोप्टेरा कॉलियोप्टेरा एंड एडल्ट इंसेक्ट्स लाइक नेपा नोटोनेक्टा रंटेरा लेथोसेरस कॉरेक्सा एंड सर्टेन बीटल्स। अब ये सभी के सभी हम लोग ये अगर ध्यान दें तो सभी के सभी इंसेक्ट और उसके लार्वाज हैं, यानी ये सभी जो है इंसेक्ट हैं ये फीड करेंगे डिफरेंट टाइप्स के एल्गी और जो भी हाइड्रोफाइटिक स्मॉल प्लांट्स हैं उस पर। यहाँ एग्जाम्पल्स में जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बात किया है उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं इंसेक्ट के जो कि वाटर लविंग होते हैं। अदर कॉमन कंज्यूमर्स इंक्लूड रोटीफर्स क्रस्टेशियंस डेफनिया साइक्लोप्स एक्सेट्रा लीचेस यानी जोंक मोलस्क फिशेस लाइक कतला बार्बस चीला लेबियो नोटोप्टेरस एक्सेट्रा। इसके अलावा वहाँ पर फ्रॉग एंड डिफरेंट कार्निवोर्स फिशेस भी वहाँ रहते हैं। तो पॉन्ड की अगर हम लोग कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो वैसे ही एनिमल वहाँ पर सर्वाइव करेंगे जो एक्वेटिक होंगे, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो मोलस्क हो, चाहे कुछ फिशेस हो। उसके अलावा और भी एनिलीड्स वगैरह बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं कंज्यूमर्स, जिसे हम लोग कंज्यूमर्स के अंडर रखते हैं, इसके संग में ग्रुप करते हैं, और वो सभी के सभी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं इन द फीडिंग पर्पस। और इसमें अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं वो सभी फीड करेंगे प्रोड्यूसर्स पे, और बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे प्राइमरी कार्निवोर्स उस पर फीड करेंगे। अब डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं जो कि नेक्स्ट लेयर ऑफ द इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब एक पॉन्ड के अंदर कितने टाइप के डिकम्पोजर्स हो सकते हैं या ट्रांसफॉर्मर्स हो सकते हैं। अब इसमें मोस्टली फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, और पानी में रहने वाले वैसे फ्लैजिलेट्स भी आ सकते हैं जिसमें फ्लैजिला होगा। फ्लैजिलेट्स मीन्स जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैजिला को कंटेन करते हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं या डिफरेंट प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं। देर आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस फ्लैजिलेट्स फंजाई एंड बैक्टीरिया। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉन्ड बट स्पेशली अबंडेंट इन द मड। और इनका जो एक हैबिटेट होता है वो भी एक स्पेशलाइज हैबिटेट होता है, क्योंकि मोस्टली ये वैसे एरिया में वहाँ पर पाए जाते हैं पॉन्ड के अंदर भी जहाँ पर डेथ एंड डीके प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स के जो
डेड बॉडी हैं वो जाकर करके सेडिमेंटेशन जिनका होता है उस प्लेस पे ये मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं बॉडी को इन्हें डिकम्पोज करना है और उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिकम्पोज कर कर करके उसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में इसे ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो स्पेशली ऐसा हैबिटेट कहाँ होगा, ये सेडिमेंटेशन जो रीज़न है, सेडिमेंट्स यानी नीचे जो मड वाला एरिया है, ठीक है, उस मड वाले एरिया में ये सभी डिकम्पोजर्स जो हैं और ट्रांसफॉर्मर्स हाई अमाउंट में यानी अबंडेंट अमाउंट में वहाँ मिलेंगे। When temperature conditions are favorable, decompositions occur rapidly in water. अब बात अगर की जाए डिकम्पोजर का जो प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, अगर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है यानी ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मीडियम वे पे अगर टेम्परेचर रहता है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर। तो जो सड़ने की रेट यानी डिकम्पोजिशन की जो रेट है वो फास्टर हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर या तो बहुत हाई रहा तो या तो बहुत बहुत ज़्यादा लो रहा तो भी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लोअर डाउन। द डेड ऑर्गेनिजम्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस कंज्यूम्ड बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ डेट्रीवोरस फीडिंग एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इससे पहले क्या करेंगे कि कुछ डिकम्पोजर्स ऐसे होंगे जो डेट्रीवोरस होंगे और वो सड़े गले चीज़ को डिफरेंट स्मॉल पीसेस में वो कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रोब्स वहाँ प्रेजेंट रहेंगे वे उसे डिकम्पोज कर देंगे, और उसके बाद उसमें जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे उस पर वे फीड करेंगे और उसे एज अ न्यूट्रिशन वो यूज़ कर लेंगे फर्दर अपने डेवलपमेंट के लिए। अब अगर पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम के जो भी लेसन को हमने पढ़ा अगर उसे कुछ पॉइंट्स में अगर कंक्लूड करना चाहें तो एज अ कंक्लूजन वी फाइंड दैट पॉन्ड्स हैज़ ऑल द फोर कंपोनेंट्स दैट आर अबायोटिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी एक किसी भी इकोसिस्टम के जैसे चारों के चारों कंपोनेंट्स वहाँ मिलते हैं विच एक्ट्स एंड रिएक्ट्स विथ एंड ब्रिंग अबाउट द साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स। ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ उस पॉन्ड के अंदर मिनरल साइकिल को वो प्रोड्यूस करेंगे एंड प्रमोट करेंगे। इट मे बी नोटेड दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द पॉन्ड्स आर ऑलवेज अंडर स्ट्रेस। ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स एक पॉन्ड में मिलते हैं सभी एक स्ट्रेसफुल लाइफ को बिलोंग करते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि द डेली फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर फेल्ट ग्रेटली इन द पॉन्ड। दो प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स येट दोज लिविंग इज टेम्पररी पॉन्ड्स हैव द डेंजर टू फोर्स ड्रॉट कंडीशन एंड हेंस हैव सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू मीट दिस चेंज। अब वे इसलिए इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि जो पॉन्ड जो होता है अगर पॉन्ड स्मॉल है तो उसमें टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा राइज हो गया तो वाटर का टेम्परेचर में फ्लैक्चुएशन आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन अगर वाटर में ज़्यादा हो गया तो जितने भी जू प्लैंकटॉन्स हैं वे सभी डेड हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अगर उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ऑक्सीजन का लेवल भी अगर कम हो गया तो भी जो जू प्लैंकटॉन्स हैं और डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं वे डेड हो जाएंगे वाटर के अंदर, क्योंकि उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। दो प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, हालांकि बहुत ज़्यादा वाटरी एनवायरनमेंट वहाँ पर अवेलेबल होता है पॉन्ड के पास, लेकिन फिर भी अगर स्मॉल पॉन्ड है तो उसमें हमेशा एक ऐसा कंडीशन उसको फेस करना होता है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन है तब तक तो पॉन्ड में वाटर है, लेकिन अगर ड्रॉट फेज में अगर पॉन्ड छोटा है तो उसका वाटर जो है इवोपोरेशन के थ्रू और सनलाइट का इंटेंसिटी की वजह से वो ड्रॉट होता जाएगा, सूख जाएगा। उस कंडीशन में जो उसमें रहने वाले प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सभी के सभी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएंगे, और जैसे जैसे वाटर जो है वो ड्रॉट होता जाएगा, सूखता जाएगा,
और पॉन्ड का अपना ही पूरा लाइफ स्पैन अगर ख़त्म हो जाएगा तो इसके संग में हमेशा ये प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि पॉन्ड के का इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाए। इस कंडीशन में कुछ कुछ पॉन्ड्स के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कुछ एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस करने पड़ते हैं ताकि इस टाइप के एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकें, या फिर टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन को वो झेल सकें, या इस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का वाटर में, उसे भी वे झेल सकें। इसके अलावा अगर न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट केमिकल मटेरियल्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा न्यूट्रिएंट का प्रोपोर्शन अगर किसी भी पॉन्ड वाटर में, तो हमेशा ये चांसेस होता है कि वहाँ पर यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। और यूट्रॉफिकेशन होने के बाद में धीरे धीरे पॉन्ड का जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होने लग जाता है। तो इस तरीके का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस लेवल जो है प्लांट्स के में जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो चाहे वो हेटरोट्रॉफिक हो, सभी इस टाइप के एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन को फेस करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि पॉन्ड इकोसिस्टम आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के विषय में कुछ वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी। तो अब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।